तो हेलो गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में। बट गाइस, ये अभी बड़ी वीडियो बनने वाली है क्योंकि मैंने कभी बड़ी वीडियो बनाई नहीं। गाइस आपको पता ही होगा, शॉर्ट्स ही बनाता हूँ मैं। पर गाइस मैं हूँ अभी एसएमपी में। तो गाइस यही मेरे कुछ दोस्तों की एसएमपी है गाइस, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग है। मैं एकदम छोटा सा आदमी, 640 सब्सक्राइबर्स वाला, इन लोग बड़े लोगों के साथ वो अभी क्या कर सकते हैं गाइस। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बट अभी उनको छोड़ दो बाजू में। मेरा गाइस आपको ना एसएमपी पूरी घुमाने वाला हूं। पर गाइस ये घर जो देख रहे हैं आप, ये मेरा नहीं है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये भी मेरा नहीं। गाइस ये भी एकदम अप्रतिम डिजाइन है, जो अलग ही डिजाइन है घर का, वो भी मेरा नहीं है। और गाइस हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है। वो छोटा घर तो नहीं है, वो रोहित भाई जैसा, वो देख कितना छोटा घर है, नोबड़ो जैसा घर है वो। मेरा तो घर एकदम ओपी दिख रहा है। पर गाइस मैं बोल रहा हूँ अंदर से मत देखना बस। नहीं गाइस, आपको अंदर से दिखाई दूंगा बाद में। गाइस दूसरों का घर ना बार बार से ही दिखाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा वो, नहीं तो मेरे को बोलेंगे तू डायमंड चुरा देता है मेरा। तो हम लोग जाते हैं अंदर। अरे 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 अरे, प्रेशर प्लेट नहीं चल रही है क्या बे? अरे का हो रहा है, ऐसे ही जाऊंगा अंदर। चलो तो गाइस ये देखो मेरा छोटा सा घर, मतलब मेरे को ना डिजाइन करना नहीं आता। और ये गाइस कुछ तो लैग हो गया था अभी। पर गाइस ये मेरे को डिजाइन नहीं करने आता। और गाइस ये मैंने गलती से ब्लॉक लगा दिए, मम्मी निकालना ही भूल जाता उसको। ये देखो ये चीजें है ना जो रोहित भाई ने और अपने केशव भाई ने किया था, मतलब ये बाहर का डिजाइन। ये देखो ये जो चीजें रखी है, ये देखो ये वाली, ये भी उन्होंने ही बनाया। उनका क्या आइडिया था मेरे को पता नहीं, मतलब एक डोर के अंदर एक डोर। नूबड़े कुछ भी कर डालते हैं, रोहित भाई तो नूब है। ये रोहित भाई ने मेरे घर के पीछे ही लगवा दिया है, मैं तोड़ दूंगा मेरे मन में आया तो। घर एक्सपांड भी करना है मेरे पीछे से तो वो बाद में करेंगे हम लोग। गाइस तो गाइस ऐसे कुछ तो है, और हम लोग अभी बाहर जाने वाले हैं। तो हम लोग सबकी वैसे सबकी चेस्ट भी ढूंढने वाले हैं, सबकी चेस्ट में डायमंड है कि नहीं। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था मैं। ओके अच्छा, तो हम लोग जाते हैं बाहर। और गाइस एकदम ओपी तो चीज दिखा नहीं रहेगी। ये देखो गाइस ये बड़े बड़े जो चीजें ना वो बनाई है। इस घर को मत देखना, इस घर को मत ही देखना। अरे देखना ही मत, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो गाइस ये क्लॉक टावर तो मैंने नहीं बनाया, इतना तो क्रिएटिव बंदा नहीं हूँ गाइस मैं, पहली बात तो। पर ये बनाया गाइस निर्भय भाई ने। और गाइस ये चीज दिख रही है देखो, ये भी निर्भय भाई ने बनाई है, एकदम मतलब अच्छे बिल्डर है। मजा आया। और बाद में गाइस ये देखो विलेजर्स ट्रेडिंग हाउस, वही बोल। तो ये देखो गाइस वो उन्होंने बनाया है निर्भय भाई ने। तो निर्भय भाई ने सब क्रेडिट निर्भय भाई को दे रहा हूँ। सुनील भाई भी थे लगता है इस वीडियो में, मेरे को याद नहीं है गाइस। ये वीडियो उन्होंने बनाई है, उनके चैनल पे जाके देख लेना, एकदम ओपी है। तो गाइस ये देखो सारे विलेजर्स है इधर, ये देखो रूपर भी है गाइस, और विलेजर्स डालना है। और गाइस ये देखो रूपड़ा, अंदर जा। और गाइस ये चीज तो आपको दिखा नहीं रही, ये तो आपको दिखाता हूं रुको। ये देखो गाइस जू, तो गाइस ये जू बन रहा है अपने नेदरराइट एसएमपी में, एकदम ओपी होने वाला है गाइस आगे जाके, जरूर देखना। मतलब ये तो निर्भय भाई ही बनाएंगे, मैं तो इतना क्रिएटिव बनता तो हूँ। मैं पहली गाइस मेरे हाथ ना पीछे कर लेता भाई, मैं तो नहीं आ सकता भाई ऐसा करके। पर क्या नहीं भाई करना। ये देखो गाइस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। ओके ये देखो गाइस ये मतलब ये जूम वाली आउटलाइन है। तो गाइस ये जू वाली आउटलाइन है, तो गाइस इसके अंदर होने वाले एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है गाइस। और गाइस ये देखो फूड फार्म, देखो एकदम ओपी उन्होंने ही बनाया गाइस निर्भय भाई ने। और गाइस वो सारी चीजें ना नीचे आके कलेक्ट हो गाइस, मैंने पोटेटोस देके एमनेस ले लिए, ये देखो 19। और गाइस मैंने डिस्कॉर्ड बंद कर दिया, नहीं तो वो टुन टुन वाली आवाज आएगी। और गाइस हम लोग सो जाते हैं, मतलब मैं अकेला बंदा हूँ इधर, पहले बात तो बारिश बहुत हो रही है, मेरे पास बेड नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पीछे बैठ के घर में जाएंगे, फिर तो सो सकते गाइस क्योंकि मैंने अभी तक बेड नहीं बनाया। सुबह तो हो चुकी है और गाइस बारिश कम नहीं हो रही है, तो ओके होगी। ओके हम लोग जाएंगे अभी और एक्सप्लोर करेंगे, और गाइस आपको दिखाएंगे हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई है सोच लो। तो गाइस ये देखो हम लोग आ चुके हैं। और गाइस गाइस मैं आपको नेम प्लेट दिखाने वाला हूँ। तो ये केशव भाई का घर है, गेट नंबर 1 भेदा निवास, ऐसे का मतलब पता नहीं है गाइस मेरे। तो ये केशव भाई का घर है, और ये गाइस निर्भय भाई का घर है, डीमन निवास। ओके उनका चैनल का नाम मतलब स्टार्टिंग में डीमन है, इसलिए उन्होंने डीमन रखा है। और ये नूब निवास, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बाद में भी चेंज करूँगा, उसको भी किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं बाद में। तो थोड़ी देर फिर उसको उधर ही रेडी देखते हैं। और गाइस ये सुनील भाई का घर है, तो उसको भी देखते हैं गाइस।
चाहिए। मिस्टर इंडिया निवास मतलब कभी दिखती नहीं अपने एसएमपी में, इसलिए मिस्टर इंडिया लगते आई। क्या है मेटा निवास गाइस, मेरे को तो लगता है इधर ना मूव निवास होना चाहिए था और उधर पीडो गेमर होना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो गाइस, मैंने आपको रात को दिखाया था ये वाला सुल्फा। ओके और गाइस, वो है विलेजर ब्रीडिंग का, वो भी बनाया था रोहित भाई ने। और गाइस विलेजर किधर गए थे, मेरे को नहीं पता, रोहित भाई ने और डीमन भाई ने ही बनाया था, मुंबई भाई ने। मतलब जाते अभी इधर ना अपना टाउन हॉल दिखाने वाले हैं। टाउन हॉल मतलब अपने जो मीटिंग करेंगे ना अपन लोग फ्यूचर में, जो जो डिसीजन लेने वाले, वो वाला मीटिंग मतलब मीटिंग हॉल बनाया है, मतलब केशव भाई ने बनाया है वो आपको दिखाऊंगा। और गाइज वो देखो अपना फा, और गाइज मैंने देखा ही नहीं, मेरा हंगर बात बहुत ही कम हो गया। गाइज ये देखो अपने एसएमपी का आयरन फार्म है। तो गाइज जिमन भाई ने मतलब अपने निर्मल भाई ने इसको ज्वाइन किया इधर, आपको दिखाने वाला हूँ गाइज एकदम खतरनाक सी सेटिंग की है उन्होंने अपने नीचे। ओके और गाइज ये देखो सारे गाइज इधर आने वाले हैं, आए नहीं मुझे इधर से इधर टाइम एकदम ओपी दिखता है। और गाइज ये देखो फिश टैंक भी बनाया उन्होंने, और गाइज ये देखो अपने लिए बेटर आ गया बाहर एकदम ओपी था। और गाइज ये मैं भी आपको बताया मैंने, तो गाइज हम लोग अभी टाउन हॉल देखने वाले। तो और अंदर ना थोड़े और बिल्ड्स बनाने अपने को, पर गाइज ये देखो अपनी सिक्योरिटी बना दी है, सिक्योरिटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता। ये गाइज हम लोग इधर बैठेंगे मीटिंग करने के लिए, नहीं तो और एक टेबल बनाने के, ऐसे टेंशन नहीं है अपने पास, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। और अपन लोग ना ये देखो गाइज इधर बेड, ये ना बेड गाइज मैं लेके जाता हूँ मेरे घर के लिए, उधर रख दूँगा। ओहो तो गाइज ये रेसिपी क्यों आया पता है क्या, मेरा ये माइनक्राफ्ट ना गाइज गलती से ना डिलीट हो गया था, थोड़ा फाइल करप्ट हुआ था, मैंने ये टीएल लंचर ना गाइज किया था अनइंस्टॉल, तो इसलिए मेरे को बनाना पड़ा नया आपको। बहुत सारी रेसिपीज गाइज मैंने ना अभी तक अनलॉक नहीं की, तो अभी क्या कुछ नहीं गाइज। और ये देखो ये भी रोड उन्होंने ही बनाया, ये देखो गाइज टाउन हॉल के नीचे से, मतलब टाउन हॉल नहीं बोलते इसको, हॉल के नीचे से। तो गाइज ये भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना फ्यूचर में बनाने वाले। ये देखो गाइज बहुत सारी जगह है, देखो इधर इसको तो गाइज ये दिख रहे हैं ना माउंटेन बड़े बड़े, ये इन्होंने ही तोड़े गाइज, मैं तो आया नहीं अभी तक। ये देखो गाइज उधर क्यों लग रही है, मेरे को उधर से जॉमी आते हैं तो गाइज ये देखो और बनाना है आगे। और गाइज ये देखो आयरन, अभी तो आयरन की जरूरत ही नहीं गाइज, हमारे पास बहुत सारा आयरन। वाह देखो गाइज वो अपना एंडरमैन घूम रहा है भाई, वो उधर ही घूमता है बाहर नहीं आता, जब से ये बिल्डिंग बनाई है ना गाइज तब से वो ना उधर ही घूमता है, तो दिखाना कुछ नहीं रहा गाइज। तो वैसे तो गाइज ये देखो ये स्किन ना मैं चेंज करने वाला हूँ जाने के बाद, वो मेरे ओपी वाली स्किन है वही लगाऊंगा, अभी वो दिख नहीं रही है। वो आपको पता ही होगा गाइज मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा ही होगा। और गाइज मैं ना आपको एक दिखाने वाला, मैंने और अपने निर्भय भाई ने और केशव भाई ने भी मदद कर दी थी, तो मैं दिखाता हूँ उनको। ये देखो ये ना गाइज इसके अंदर है टाटा एकदम, ये देखो गाइज मैंने तो अपना 3 monitor सेटअप कर दिया गेमिंग सेटअप। वाह ये देखो इसका ना सीपीयू नहीं दिखेगा गाइज सॉरी, हम लोग इधर बैठ सकते गाइज, ये देखो और गेम खेल सकते हैं गाइज। ये मेरा माइक है, और ये देखो गाइज माउस, और ये अपना इतना भी ये कीबोर्ड जैसी फील नहीं दे रहा, पर गाइज ये कीबोर्ड ही समझ लो आप। और गाइज ये मॉनिटर है मेरे, तो ये अपन लोगों ने बाद में गेम खेलेंगे। और गाइज मैं जो सीक्रेट रूम बनाने वाला हूँ ना, वो अभी के लिए ना वैसे ही रख देते हैं हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले उसको, तो हम लोग ना बाहर जाके आउटरो करेंगे बाहर। गाइज आपको ना ये मैं दिखाना ही भूल गया लगता है, उनको हम लोग ना ऊपर जाके आते हैं उनको। तो गाइज हम लोग इधर से एंट्री लेंगे, ये बनाया निर्भय भाई ने, उनका ही ट्री हाउस है, तो हम लोग इधर से ऊपर जाने वाले गाइज तैर के। ओके और एकदम फास्ट चलेंगे और ऐसे गिर जाएंगे अपन लोग। गाइज ये ऊपर चढ़ना ना बहुत ही मुश्किल है। 2000 years later. गाइज ये बहुत ही मुश्किल है ऊपर चढ़ना यार, निर्भय भाई को बोलना पड़ेगा कुछ तो अलग ही इंतजाम कर लो ऊपर चढ़ने का। तो गाइज ये तो गाइज उन्होंने ऐसे ही बना दिया, पर गाइज इसके अंदर कुछ भी कुछ तो और करने वाले मेरे को तो लगता है, वो आप तो उनकी वीडियो में देख ही लेना। तो अभी इसको ना हम लोग बंद कर देते हैं, और गाइज ये देखो क्या बना है, वाह 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 वाह। और गाइज इधर से अपनी एसएमपी दिखती है पूरी एकदम ओपी, ये देखो
सब लोगों का घर दिख रहा है इधर। तो गाइस हम लोग वीडियो का एंड अभी इधर ही करने वाले। मेरे को तो गाइस सिर्फ आपको ना मेरा गाइस सिर्फ आपको ना ये एसएमपी दिखाने वाला था, पर अगले वाले वीडियोस ना गाइस इस एसएमपी के बारे में होने वाले हैं और गाइस थोड़ी मेरे बारे में भी होने वाली। और गाइस इन लोगों ने इतना कुछ बना दिया है तो मेरे को तो नहीं लगता मेरे को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी इसी घर में मेरे बैठे रहूंगा और इन लोगों को देखते रहूंगा। बनाओ। फिर भी गाइस ना इन लोगों ने ना बहुत सारे वीडियोस बनाई, उनके चैनल पे जाके चेक करना। वैसे मैं दे दूंगा गाइस, वैसे बड़े यूट्यूबर है, मेरे को तो नहीं लगता उनके लिंक देना जरूरी है। और गाइस अभी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, आप उन लोग मिलेंगे अगली वाली नीदरराइट एसएमपी के वीडियो में और वो उपयोग होने वाले। तो गाइस हम लोग मिलते हैं तभी, तो चलो बाय बाय।